रणवीर दीपिका की स्वीट लव स्टोरी पर है किसी की नजर। दीपिका रणवीर की लव स्टोरी का विलन। गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग द वन एंड ओनली प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर गॉसिप को हम करते हैं टर्न ऑन। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड गेट रेडी टू विटनेस बॉलीवुड्स बिगेस्ट अपडेट्स। तो चलिए देखते हैं आज के शो में क्या कुछ है खास। रणवीर दीपिका के रिश्ते का कौन बना विलन? सलमान के रेप रिमार्क के बाद एसआरके के क्यों छूट रहे हैं पसीने? रणवीर के साथ मूवी डेट से पहले अपने किस एक्स से मिली दीपिका? बताएंगे जूम के स्पेशल शो लव का गेम ओवर में इस वीक किसके लव का हुआ गेम ओवर। रणवीर दीपिका की लव स्टोरी को लगी किसी की नजर? कोई है जिसे ये लव स्टोरी नहीं आ रही पसंद? वेल, कौन बना बॉलीवुड की इस अमेजिंग लव स्टोरी का दुश्मन? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। रणवीर दीपिका के इस प्यार, इस लगाव और इस केमिस्ट्री को देखकर सभी को यही लग रहा होगा कि इन दोनों लव बर्ड्स जैसी लव स्टोरी किसी की हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या मीडिया कैमरा के सामने नजर आ रहे ये प्यार, ये अफेक्शन ही है इस लव स्टोरी की सच्चाई, या पर्दे के पीछे इस लव स्टोरी में भी चल रही है कोई प्रॉब्लम? से आ रही खबरों की माने तो रणवीर दीपिका जहां अब अपने रिश्ते को शादी का नाम देने के बारे में सोच रहे हैं, वहीं उनकी फैमिली मेंबर्स इस रिश्ते को लेकर डबल माइंडेड हो गए हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह की मॉम दीपिका रणवीर की शादी को लेकर खुश नहीं है। रणवीर की मॉम को दीपिका के पास रिलेशन से है प्रॉब्लम। यही नहीं, कहा जा रहा है कि रणवीर की मॉम चाहती है कि रणवीर नॉन फिल्मी लड़की के साथ अपना घर बसाए। वेल, सोर्सेस से आ रही खबर रणवीर दीपिका की लव स्टोरी के लिए डेफिनेटली एक बड़ा झटका है। स्टिल, इन दोनों लव बर्ड्स को देखकर तो फिलहाल यही लगता है कि इन्हें दुनिया की फिक्र नहीं है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि इनके बारे में कौन क्या सोचता है। We hope ये दोनों लव बर्ड्स अपने फैमिली को फिर से बनाने में कामयाब हो जाएंगे और रणवीर दीपिका के फैंस इन दोनों स्टार्स की शादी की न्यूज ऑफिशियली सुन पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रणवीर सिंह मीडिया से जनरली काफी अच्छे मूड में मिलते हैं, लेकिन पिछले दो दिनों में लगातार दूसरी बार मीडिया के सवालों पर भड़के रणवीर सिंह। वेल, मीडिया के कौन से सवाल से रणवीर को हो रही है परेशानी, आइए देखते हैं। जगह अलग, दिन अलग, लेकिन जवाब एक। एक बार फिर दीपिका का नाम सुनते ही भड़क गए रणवीर सिंह। एक बार फिर से दीपिका के नाम पर रणवीर का पारा हो गया हाई। रणवीर सिंह पहुंचे थे अनिल कपूर के शो 24 की स्क्रीनिंग पर, जहां यूं तो खूब मस्ती कर रहे थे वो, लेकिन ना जाने क्यों दीपिका का नाम सुनते ही उन्हें गुस्सा आ गया। यार आज तो 24 का इवेंट चल रहा है, तो लेट्स टॉक अबाउट 24। I'm sorry? यार, if we can talk about 24, I think that would be better. ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर रणवीर सिंह दीपिका का नाम सुनकर इस तरह रिएक्ट क्यों करने लगते हैं? यह उनसे कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछा गया था, महज दीपिका की पहली हॉलीवुड फिल्म ट्रिपल एक्स से जुड़ा सवाल किया गया था, फिर इसमें इस तरह रिएक्ट करना कुछ समझ नहीं आता।
वैसे ठीक एक दिन पहले भी दीपिका से जुड़े सवाल पर रणवीर ऐसे ही भड़क गए थे। वेल, रणवीर आप दीपिका के साथ खुल्लम खुल्ला प्यार कर सकते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं, ये बात समझ से बाहर है। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। सलमान खान के रेप रिमार्क कॉन्ट्रोवर्सी ने शाहरुख खान के उड़ाए होश। देखिए कैसे एक पब्लिक इवेंट पर अपने एक फनी जोक के बाद शाहरुख खान ने तुरंत माफी मांगी। Wherever it is launched, I hope a lot of people. You don't have to stand up. Even if it's politically incorrect, girls need to lie down when I talk to them. They just. अपने इस जोक के बाद SRK के छूटे पसीने। SRK को लगा सलमान खान की तरह वो भी अब फंस जाएंगे बड़ी कंट्रोवर्सी में। Wherever it is launched, I hope a lot of people. You don't have to stand up. Even if it's politically incorrect, girls need to lie down when I talk to them. जी हाँ, मौका था एक बुक लॉन्च का, जहाँ SRK इस इवेंट पर मौजूद वेमेन की तारीफ कर रहे थे और अपने कॉन्वर्सेशन के दौरान SRK के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिससे SRK हो गए कॉन्शियस और उन्होंने तुरंत माफी मांग ली। Girls need to lie down when I talk to them. I'm joking. Don't take my. Just for this, I'm going to be in trouble now. When I say lie down, just listen to me. आराम से, no other way. देखा आपने, SRK को तुरंत समझ आ गया कि उनके इस बयान को लेकर कुछ लोग उन्हें निशाना बना सकते हैं। इसीलिए उन्होंने तुरंत अपने बयान को ठीक करने की कोशिश की। You don't have to stand up. Even if it's politically incorrect, girls need to lie down when I talk to them. I'm joking. Don't take my. Just for this, I'm going to be in trouble now. When I say lie down, just listen to me. Aram se, no other way. Well, Salman Khan ke rape remark controversy ke baad Bollywood celebs ke hosh ude hue hain. Yahi wajah hai ki SRK apne funny comment ke baad kuch is qadar serious ho gaye. Bureau report, Zoom, Mumbai. Recently, Ranveer Singh ke saath Deepika ek movie date par gayi thi. लेकिन खबर आ रही है कि इस मूवी डेट से पहले दीपिका अपने एक एक्स से मिलने पहुंची थी। वेल, क्या है ये पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट। रणवीर सिंह और दीपिका की इस हसीन मुलाकात से पहले दीपिका पहुंची थी रणबीर कपूर से मिलने। जी हाँ, खबर मिली है कि दीपिका पादुकोण मदारी की स्क्रीनिंग पर पहुंचने से पहले रणबीर कपूर से मिलने उनकी फिल्म ए दिल है मुश्किल के सेट पर गई थी। सोर्सेस का कहना है कि दीपिका इरफान खान की फिल्म मदारी की स्क्रीनिंग के लिए काफी पहले निकल गई थी। ऐसे में जब उन्हें पता चला कि स्क्रीनिंग शुरू होने में वक्त है और पास में ही रणबीर कपूर और फवाद खान शूट कर रहे हैं, तो दीपिका सीधा रणबीर से मिलने के लिए उनकी फिल्म के सेट पर पहुंच गई। जहाँ रणबीर और दीपिका ने काफी देर साथ में टाइम स्पेंड किया और इस क्वालिटी टाइम स्पेंड के बाद दीपिका वहाँ से रवाना हो गई स्क्रीनिंग के लिए, जहाँ राम की लीला से मुलाकात हुई। तो कुछ यूं एक ही दिन में दीपिका अपने करीबी दोस्त रणबीर और अपने बॉयफ्रेंड रणवीर से मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। परिणीति चोपड़ा को है प्यार की तलाश। उन्होंने कन्फेस किया है कि वो अपने लिए ढूंढ रही है एक लड़का। वेल, आप भी देखिए परिणीति को कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। परिणीति चोपड़ा को चाहिए लड़का। लेकिन बस लड़का नहीं है कोई, मुझे एक सिंपल सा लड़का चाहिए जो बहुत मुश्किल से मिलता है। आई थिंक स्पेशली हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इतनी बिजी है, उसमें आसानी से मिलता नहीं है।
परिणीति को तलाश है एक हैंडसम पार्टनर की। अगर आपकी नजर में कोई है तो प्लीज मेरे पास भेज दीजिए। लड़के के लिए परिणीति की बेकरारी देखकर इतना तो साफ हो गया है कि परिणीति इज सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। यही वजह है कि जब मेरी प्यारी बिंदु के सेट से आ रही मनीष के साथ उनके लिंकअप की न्यूज को लेकर हमने परिणीति से सच जानना चाहा, तो उन्होंने कुछ ऐसे किया रिएक्ट। एक्चुअली मनीष तो सेट पे आता भी नहीं है, वो प्रोड्यूसर है तो वो सेट पे नहीं आता है, एंड ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं तो मनीष से शायद 3 महीने से मिली भी नहीं हूँ, तो ये बिल्कुल सच नहीं है। और ऐसे रूमर्स रियली अब खत्म हो जाए, बहुत साल हो गए हैं, अब रियली दे नीड टू एंड। एक्चुअली मेरी गलती है, मैं जब कोई बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और उसको अनाउंस करूंगी तो फिर सब चुप हो जाएंगे। Well, अब जब परिणीति का रिलेशनशिप स्टेटस क्लियर है तो क्यों ना परिणीति की लड़का ढूंढने की गुजारिश भी पूरी कर दी जाए, जो उन्होंने हमारे रिपोर्टर से की। अगर आपकी नजर में कोई है तो प्लीज मेरे पास भेज दीजिए। परिणीति, ये विश तो तभी पूरी होगी जब आप ये बताएंगी कि आपको कैसा ड्रीम बॉय चाहिए। बस नहीं, नथिंग सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड, सिंपल सा बंदा हो, मैं खुश रहूंगी। यानी अगर आप में परिणीति की बताई हुई सारी क्वालिटीज मौजूद हैं, तो परिणीति चोपड़ा की लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, ट्राई योर लक बॉयज। क्या पता आप वही हो जिसका परिणीति को इंतजार है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें, कल शाम 7:30 PM पर देखना मत भूलिए हमारा स्पेशल शो लव का गेम ओवर। एंड फॉर मोर बॉलीवुड गॉसिप स्टे विद अस, क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को रिसेंटली कृति सैनन ने करवाया खूब इंतजार। कृति की वजह से कंगना को हुई काफी प्रॉब्लम। Well, क्या है ये पूरा माजरा, आइए देखते हैं। फिल्म मदारी की स्टार स्टडेड स्क्रीनिंग पर एक एक्ट्रेस ने कंगना को जमकर करवाया इंतजार। कंगना मीडिया से बात करने का इंतजार करती रही, लेकिन इस एक्ट्रेस ने मानो मन बना रखा था कि कंगना को जमकर करवाना है इंतजार। अब आप सोच रहे होंगे किसने बॉलीवुड क्वीन को करवाया इतना ज्यादा इंतजार, तो हम आपको बता दें वो कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस कृति सैनन है। जी हाँ, कल फिल्म मदारी की स्क्रीनिंग पर कृति मीडिया से इंटरैक्ट करने आई और उनके पास मीडिया से बात करने के लिए इतनी सारी चीजें थी कि उन्हें ये ध्यान नहीं रहा कि कंगना उनके पीछे मीडिया से इंटरैक्शन करने का इंतजार कर रही हैं। जरा देखिए कैसे कंगना कृति के आगे पीछे घूम रही थी। कंगना सिर्फ इसी बात के इंतजार में थी कि अब कृति अपने मीडिया इंटरैक्शन को खत्म करे और वो मीडिया से बात कर पाए। देखा आपने, जैसे ही कृति मीडिया के सामने से गई, तुरंत कंगना मीडिया इंटरैक्शन के लिए आ गई। साफ है कृति ने जाने अनजाने में ही सही
कंगना को अपने आगे पीछे चक्कर लगाने पर मजबूर जरूर कर दिया। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, जूम मुंबई। मिस्टर वर्ल्ड 2016 रोहित खंडेलवाल इंडिया लौट आए हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जूम ने एक्सक्लूसिवली रोहित को किया कैप्चर और यहां रोहित ने जूम से की एक्सक्लूसिव बात। मिस्टर वर्ल्ड 2016 रोहित खंडेलवाल इंडिया लौट आए हैं और इंडिया लौटते ही एयरपोर्ट पर रोहित को लोगों ने धमाकेदार तरह से किया वेलकम और यहाँ लोगों की भीड़ को देखकर रोहित नजर आए काफी खुश। I am really happy. I can't believe this is happening. This is so unbelievable. And thank you for lots of love and support that I've been getting from everybody in my country. And that's the reason it inspired me so much. Love you all. रोहित पहले इंडियन हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। ऐसे में रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं है। It's amazing. I want to thank everybody for taking their time out, for coming and meeting me. It feels great for me and it gives me a reason to work even more harder now. Mr. World title ने रोहित की जिंदगी बदल दी है और जिस अंदाज में लोग रोहित को एक्सेप्ट कर रहे हैं उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि रोहित है आने वाले समय के सुपरस्टार। फॉर संदेश अगाथे, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कल शाम 7:30 PM पर देखना मत भूलिए हमारा स्पेशल शो लव का गेम ओवर। एंड फॉर मोर बॉलीवुड गॉसिप स्टे विद अस, क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। बॉलीवुड सेलेब्स की पर्सनल लाइफ पर बेस्ड शो लव का गेम ओवर में इस वीक किन दो सेलेब्स के लव का हुआ गेम ओवर, आइए आपको दिखाते हैं एक छोटा सा टीजर। पहला प्यार या बॉलीवुड का हॉटेस्ट कपल, कैसे हुआ इनके प्यार का गेम ओवर? लव स्टोरी ऋतिक सुजैन की हो या जॉन बिपाशा की, बॉलीवुड के प्यार का हिसाब किताब ओनली ऑन लव का गेम ओवर। वेल विद दिस इट्स अ रैप ऑन द शो, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कल शाम 7:30 PM पर देखना मत भूलिए हमारा स्पेशल शो लव का गेम ओवर। And we'll be back tomorrow with more gossip, scoops and news from the world of Bollywood. Till then, keep watching Zoom. Turn on.